प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारा मल्टीमीटर सही तरीके से वर्क ना करे, काम ना करे, तो हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं आपको मल्टीमीटर ऑन करके दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक प्रोब बैटरी पर लगा रखी है, दूसरी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये इसकी जो बैटरी की वोल्टेज है वो शो नहीं कर रहा है हमारा मल्टीमीटर, बैटरी हमारी चार्ज है। और दोस्तों, एक प्रॉब्लम और हो रखी है इसमें, ये देख रहे होंगे आप, एक प्रोब वहाँ पे है और ये कहीं पे शॉर्ट नहीं है वायर। मैं आपको दिखा दूँ, कहीं पे शॉर्ट नहीं है, ये अलग है दोनों। ये देख रहे होंगे, ब्लैक अलग है और ये रेड अलग है। और अगर हम इसको कंटिन्यूटी पे अगर करते हैं तो एक कॉन्टिन्यू बीप की आवाज़ इसमें से आ रही है। तो दोस्तों, ये इस मल्टीमीटर का फॉल्ट है। हमने कंटिन्यूटी पे किया है तो रेगुलर इसमें बीप की आवाज़ आ रही है और हमारा ये जो बैटरी की वोल्टेज वगैरह किसी भी तरीके से वर्क हमारा नहीं कर रहा, लेकिन बस ऑन है, ये जो वर्किंग है इसकी वो नहीं है। तो इसके लिए इसको चलो ओपन कर लेते हैं, मल्टीमीटर को खोल लेते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको आपको खोलकर दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने ये ओपन कर लिया है। ये आप देख रहे होंगे इसका फ्यूज़, फाइनली एक तो फ्यूज़ इसका जो है वो बर्न हो चुका है, जल चुका है, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला यहाँ पे फ्यूज़ है, ये जल चुका है। और हमारा जो यहाँ पे ये SMT कंपोनेंट लगे हैं, रेजिस्टेंस वगैरह, यहाँ से एक ट्रैक जा रहा है, ये एक ट्रैक जा रहा है यहाँ तक। और दोस्तों, ये ट्रैक भी इसका जो है जल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो दो हमें चीज़ें मिली हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे वायर जोड़ देते हैं और यहाँ से यहाँ, तो ये दो काम हम अभी करके देख लेते हैं, देखते हैं फिर हमारा सॉल्यूशन होता है या नहीं। ये आप देख रहे होंगे, मैंने दोनों ट्रैक जो हैं वो जोड़ दिए हैं, आपको दिखाए थे पहले, ठीक है, दोनों ट्रैक जोड़ दिए। एक ये यहाँ पे था, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये यहाँ पे था, ये वाला, और एक ये वाला था, ये मैंने जोड़ दिया है। अब देख लेते हैं कि सॉल्यूशन हमारा हुआ है कि नहीं। अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, एक बार फिर कुछ चीज़ें चेक करेंगे इसमें और क्या हो सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ये SMD कैपेसिटर है, ये वाला जो देख रहे होंगे आप, C1 लिखा है यहाँ पे, ये वाला कैपेसिटर जो है, ये मुझे चेक करने में विजुअली अगर हम देख रहे हैं तो ये बर्न हो रखा है। तो हम इसको और एक बार चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों, मैंने इसका ये कैपेसिटर हटा दिया है, SMT वाला, और मुझे जो लीडेड वाला था वो इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हाथ नहीं चल पा रहा था। आप इसको ख़राब ना समझे, ये मुझे इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि मुझे तो ये वाला निकालना था जो आप ये देख रहे होंगे, ये वाला। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा आपको लगा के दिखा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ दूसरा। तो दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये मैंने ट्रैक पहले आपको जोड़ के दिखा दिए थे, फिर एक यहाँ पे कैपेसिटर चेंज किया था, ये जो C1 लिखा है, ठीक है दोस्तों, और ये एक रेजिस्टेंस था, SMT था वो, जिसको मैंने ये लीडेड वाला लगाया है। तो अब देख लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम जो है सोल्व हुई है। एक तो ये वैल्यू नहीं बता रहा था और एक कंटिन्यू बीप की इसमें आवाज़ आ रही थी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा सही हुआ है कि नहीं। देखिए, मैं ऑफ करके इसको ऑन कर लेता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ जो कंटिन्यू बीप की आवाज़ आ रही थी वो आ रही है या नहीं। ये मैंने कंटिन्यूटी पे कर दिया है, ये अब आवाज़ इसमें नहीं आ रही है।
और मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ, वोल्टेज बता रहा है या नहीं। यह मैंने वोल्टेज पे कर लिया है, अब मैं देखता हूँ इसकी वोल्टेज। ये देखिए एक बैटरी है, एक मैंने पॉजिटिव में पहले लगा रखा है, नेगेटिव में आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो फाइनली हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। और अब मैं दिखा देता हूँ कि वो जो कंटिन्यू बीप की आवाज़ आ रही थी वो सॉल्व हो गई है। लेकिन अगर हम इसको आपस में टच कराएं, फिर साउंड आ रहा है या नहीं, तो देख रहे होंगे आप। अब टच कराने से हमारा मल्टीमीटर काम कर रहा है, जब बिना टच करे ही ये कंटिन्यूटी पे करते ही हमारा जो बीपर वो कंटिन्यू बीप कर रहा था, तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह की मेरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।